हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सिलेक्शन कमांड के बारे में। तो सिलेक्शन कमांड जो होती है वो दो टाइप की होती है फ्रेंड्स। एक होती है हमारी विंडो सिलेक्शन और सेकंड होती है हमारी क्रॉसिंग सिलेक्शन। तो जैसे आप देख रहे हो हमारी ड्राइंग शीट यहाँ पर है, तो मैं इसके ऊपर कहीं पर भी एक लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद जैसे ही मैं कर्सर को मूव करता हूँ हमारे लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पर ग्रीन सिलेक्शन दिख रहा होगा आपको। ये जो ग्रीन विंडो है इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग सिलेक्शन। और जब मैं इसको मूव करता हूँ राइट साइड की तरफ, तो आप देख रहे हो ये ब्लू हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे विंडो सिलेक्शन। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आप बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक लेफ़्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पर सेंटर में, और मैं मेरे कर्सर को मूव करता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ग्रीन सिलेक्शन आ गया है। और ग्रीन सिलेक्शन के जो रेक्टेंगल है उसके अंदर जो भी लाइन सेगमेंट या ऑब्जेक्ट टच भी होगा तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर दोबारा लेफ्ट क्लिक करता हूँ और मैं मूव करता हूँ कर्सर को राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ब्लू सिलेक्शन है। तो इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो सिर्फ एक ही लाइन सिलेक्ट हुई है, वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लाइनों को सिलेक्ट करता है जो ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली इसके अंदर हो। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक लाइन है, मैं इसके अंदर एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक लाइन ड्रा तो हो गई, मगर वो दूसरी लाइन शो नहीं हो रही, बट ये दोनों लाइनें एक दूसरे के और रैप हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये जो एक्स्ट्रा लाइन है जो मैंने अभी ड्रा की और इसको मुझे रिमूव करना है, तो अगर मैं ग्रीन सिलेक्शन से करता हूँ तो ये पूरा ही सिलेक्ट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, मैं लेफ्ट क्लिक को यहाँ पर प्रेस करूँगा और उसके बाद जैसे ही ये हाईलाइट होगी जो एक्स्ट्रा लाइन है वहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा लेफ्ट क्लिक, और फिर मैं डिलीट डायरेक्ट डिलीट दबा के डिलीट भी कर सकता हूँ उस लाइन को। फिर क्या होगा, जो ओवरलैप वाली लाइन है वो डिलीट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मैं अगली वीडियो जूम एंड पैन कमांड के बारे में बनाऊँगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी मेन कमांड है लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल। ये कमांड्स हम अगले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक कमांड्स हैं, इसलिए मैं आपको ये सबसे पहले सिखा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।